मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हमें और आपको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने या अय्युहल लजीना आमनू कहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए। ईमान का मतलब क्या होता है? ईमान का मतलब होता है आस्था रखना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं किसी चीज के अंदर बिलीफ रखना, अकीदा रखना, मानना। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हम और आप ईमान वाले हैं तो हम किस चीज पर अपनी आस्था रखते हैं, किस चीज के ऊपर हम ईमान रखते हैं? तो यह बड़ी मोटी बात बता रहा हूं, हम सबको यह बात पता होनी चाहिए कि छह चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ईमान लाए बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। छह चीजों को मानना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसके बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। कौन सी छह चीजें हैं? नंबर एक, अन तुमीना बिल्लाही, अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर तुम ईमान रखो। तुम्हारा यकीन हो कि अल्लाह ताला एक है, सारी कायनात का वही चलाने वाला है, सारी दुनिया का पैदा करने वाला वही है, हमें रोजी देने वाला वही है, हम बीमार हो जाएं तो शिफा देने वाला वही है, हमें औलाद देने वाला भी वही है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी वही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सजदा करना उसी के आगे जायज है, हाथ फैलाना उसी के आगे जायज है, कसम खाना उसी की जायज है, भरोसा उसी की जात पर किया जाएगा, डरा उसी से जाएगा, उम्मीद उसी से लगाई जाएगी। इबादत की जितनी किस्में हैं, जितने प्रकार की इबादतें हैं, जितने टाइप की इबादतें हैं, वो सब की सब अगर किसी के लिए जायज है तो अल्लाह के लिए जायज है। ये पहली चीज है जिस पर हमें और आपको ईमान रखना जरूरी है। इसीलिए पांच टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और कम से कम हम 17 बार तो जरूर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फजर की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, इन 5 टाइम की नमाजों में जो 17 टाइम की नमाजें फर्ज हैं उनके अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के सामने ये इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते, तेरे सिवा किसी और के आगे हम हाथ नहीं फैलाते। ये पहली चीज है जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 2, व मलाइकतिही, और अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते कोई गलत काम नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, फरिश्ते तो बस वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। यह दूसरा अकीदा है। तीसरी चीज, वकुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने अपने अलग अलग नबियों के ऊपर अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद को उतारा गया। हम अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना यूमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कुरान के पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले तो वो लोग हैं जो ऐ नबी आपके ऊपर जो किताब उतारी गई यानी कुरान उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं, और पहले जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। हम अल्लाह की सारी किताबों को मानते हैं, मगर हाँ, हमारा ये ईमान है कि कुरान के आ जाने के बाद अब दुनिया में तौरात का हुक्म नहीं चलेगा,
अब इंजील का हुक्म नहीं चलेगा, अब जबूर का हुक्म नहीं चलेगा, अब दुनिया में अगर कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। कुरान ने आकर के पिछली तमाम किताबों को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पिछली किताबों के अंदर तो तहरीफ भी हुई है, परिवर्तन भी हुआ है, चेंजिंग भी हुई है, मगर कुरान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान 1400 साल पहले हमारे नबी पर जो उतरा था वही कुरान आज हमारे पास है, इसलिए कि इस कुरान की सुरक्षा की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरे बंदो, इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। सारी दुनिया में कुरान के जितने नुस्खे हैं, सारे के सारे नुस्खों को अगर खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, मिटा दिया जाए, तब भी कुरान महफूज है, कुरान सुरक्षित है, कुरान सेफ है, क्योंकि कुरान को अल्लाह ताला ने 4-4 साल के बच्चों के सीने में महफूज कर दिया है। 4 साल का 5 साल का बच्चा खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना देता है तरावी की नमाज में। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान की हिफाजत का ये सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो हम अल्लाह की सारी किताबों के ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि कुरान ने पिछली किताबों को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। बुझते पा रहे हैं कि ना बुझते पा रहे हैं? उर्दू बुझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें और हैं। वह रसूली ही, और हम अल्लाह ताला के सारे नबियों और रसूलों के ऊपर ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें संख्या तो नहीं मालूम, हमें गिनती तो नहीं मालूम, लेकिन हां, एक ज़ईफ हदीस के अंदर 1,24,000 की गिनती आई है। हम उसको कंसीडर नहीं करते, उसको नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी आए। लेकिन अल्लाह के जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हम सबके ऊपर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। कुरान में 25 नबियों के नाम आए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे नबी हैं जिनका नाम कुरान के अंदर नहीं आया, हम सारे नबियों को मानते हैं। लेकिन हां, हम ये अकीदा रखते हैं, हम ये मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी, जिनके बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, वो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबियीन। कुरान में 4 जगह हमारे नबी का नाम आया है, उसमें से एक जगह ये भी है, यहां मुहम्मद नाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, अल्लाह के नबी की औलाद में कोई जवान बेटा नहीं था, जो बेटे हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए, बेटियां तो जवान हुई लेकिन बेटा कोई जवान नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब अल्लाह के नबी ने हजरत जैनब से शादी की थी। हजरत जैनब कौन थी? ये अल्लाह के नबी की फूफी की लड़की थी, और हजरत जैद के साथ इनका निकाह हुआ था, फिर उन्होंने तलाक दे दी, तो अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया था। तो हजरत जैद रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के रसूल के घर में रहते थे, अल्लाह के नबी ने उनकी परवरिश की थी। तो मक्का वाले और मुनाफिक जो थे मदीना के अंदर, जो यहूदी और मुनाफिक थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से निकाह करा। उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई कि जब अल्लाह के नबी का कोई जवान बेटा ही नहीं है तो उसकी बहू कहां से आ गई उनकी। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबियीन, और आखिरी नबी हैं। जैसे एक मकान होता है, मकान खूब सुंदर, खूब भालो, लेकिन मकान में एक ईंट की जगह अगर बीच में फाका हो, खाली हो,
तो मकान कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। जो आएगा देखेगा कि मकान तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर मकान के अंदर एक ईंट रह गई है, इसको फिल करो, इसको इसकी पूर्ति करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं भी अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले जितने नबी आए उनकी पूर्ति की गई मेरे जरिए। सारे नबी अपने दौर के लिए आए, अपनी बस्ती के लिए आए, अपनी कौम के लिए आए, मगर हमारे आखिरी नबी सारी मानवता के लिए आए, सारी इंसानियत के लिए आए, सारी दुनिया के लिए आए और कयामत तक के लिए आए। इसीलिए अल्लाह के नबी के आने के बाद अब किसी को अगर कामयाब होना है, जन्नत में जाना है, जहन्नम से बचना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। भाई कोई अल्लाह को मानता है? डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक तकरीर में कहा था कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता है तो 99.99% इस बात की उम्मीद है कि वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन 0.001% की गुंजाइश है कि वो जन्नत में जाएगा। उलमा ने डॉक्टर जाकिर नायक की इस बात का खंडन किया और कहा कि ये गलत बात है। जो इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने उसकी जन्नत में जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 0.001% भी नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरे दुनिया में आने के बाद अब जो इंसान मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएगा इल्ला दखल नार, वो जहन्नम में जाएगा, उसके जन्नत में जाने की कोई संभावना आछे ना। समझे? तो ये हो गया रसूलों पर हमें और आपको ईमान लाना है। उसके बाद पांचवी चीज, वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन के ऊपर भी ईमान लाना है। एक दिन ऐसा आएगा ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे। इतना खतरनाक भूकंप आएगा, इतना बड़ा जलजला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, जब पूरी की पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा। जरा सा हल्का सा जलजले का झटका आता है दिल्ली के अंदर तो न्यूज में आ जाता है दिल्ली वाले घबरा गए। वो तो मामूली सा जलजला आता है, गौर करो कयामत के दिन का जलजला कितना खतरनाक होगा। इजाजुल जिलतिल अर्दो जिलजालहा, जब पूरी की पूरी जमीन को अल्लाह ताला हिला देगा और वो जलजला कयामत का इतना खतरनाक होगा। फरमाया या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ओ लोगो अपने रब से डरो, बेशक कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। दुनिया में जब प्रेम की मिसाल दी जाती है, जब मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, तो मां और बच्चे के प्यार की मिसाल दी जाती है। और बच्चा जब छोटा हो, मासूम हो, दूध पीता बच्चा हो, तो बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता, मां बच्चे के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कयामत का दिन इतना सख्त होगा, इतना खतरनाक होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। और हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, प्रेग्नेंट औरतों की प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, उनके गर्भ गिर जाएंगे, मारे डर के मारे दहशत के उनका हमल खत्म हो जाएगा। वह तरन्ना ससुकारा, और ऐसा लगेगा कि लोग नशे की हालत में हैं, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वाला किन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। कयामत का दिन ऐसा होगा, उस दिन पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। मेरे न्याय करने वाले को न्याय का फल मिलेगा, अन्याय करने वाले को अन्याय की सजा मिलेगी।
अच्छा अमल करने वाले को उसके कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करने वाले को उसकी बुरी सजा मिलेगी। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी का काम किया होगा कल कयामत के दिन तुम उसको भी देख लोगे। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और एक जर्रा के बराबर तुमने गुनाह किया होगा तो वो भी तुम कयामत के दिन देख लोगे। कयामत का दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा, वो इंसाफ का दिन होगा। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन, इंसाफ का दिन, कयामत का दिन होगा। उस दिन हम सब अल्लाह के पास जाएंगे। जानते हो हमारे नबी के ऊपर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई मालूम है? चलो बता देता हूं आप, हमारे नबी के ऊपर कुरान की आखिरी आयत नाजिल हुई है तीसरे पारे की। तीसरा पारा आप खोलेंगे, तीन चार पेज के बाद आपको यह आयत मिलेगी, बिल्कुल लास्ट की आयत है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ओ लोगो तुम अपने परवरदिगार से डरो, तुम उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, और उस दिन तुम्हारे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा। कयामत का दिन होगा, उस दिन इंसाफ होगा। दुनिया में हमारी माए बहने वो नाक में कील पहनती हैं, जानते हैं ना उसको बंगला में क्या बोलते हैं, हमारे यहां नथिया बोलते हैं उसको, नाक की कील या नथिया। सोनार के आप जाइए तराजू के ऊपर, वो सोनार उस कील को रखता है और सोनार का तराजू बता देता है कि वो कील कितने मिलीग्राम की, ग्राम नहीं, ग्राम का भी हजारवां हिस्सा, मिलीग्राम सोनार का तराजू बता देता है। हम लोग कहते हैं यार सोनार का तराजू एक नाक की कील का वजन बता देता है, हमें हैरत होती है, हमें आश्चर्य होता है। अल्लाह तबारक व तआला का तराजू उस सुनार के तराजू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ। قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے اوپر एक राई के दाने के बराबर, एक सरसों के दाने के बराबर, एक इंतहाई छोटी चीज के बराबर भी अगर कोई चीज होगी उस तराजू पर, वो सामने आ जाएगी। वह कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारी परीक्षा हम लेंगे, तुम्हारा हिसाब हम लेंगे, और जब हम लेंगे तो हम राई के दाने के बराबर चीज का भी हिसाब लेंगे। अल्लाह, इंसान ये समझता है कि रात के 12 बजे हैं, कमरा बंद है, कंबल के अंदर छुपा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई नहीं जानता। अरे नादान, अल्लाह सब जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है, तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहा है। वह इन्ना अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफालून, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुतय्यन कर दिया है। किरामन कातिबीन, हमारे फरिश्ते तुम्हारे एक एक अमल को नोट कर रहे हैं, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा ईमान है कि कयामत आएगी, हिसाब होगा और हमें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। तो ये पांचवी चीज है जिसके ऊपर ईमान लाना अनिवार्य है, जरूरी है। और छठी चीज, वल कदरी खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है, आवश्यक है। तकदीर अच्छी हो चाहे बुरी हो, तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में एक करोड़पति आदमी है, उसके पड़ोस में एक आदमी को दो टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने सबकी रोजी रोटी अलग अलग बनाई है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, मगर यह बात याद रखिए कि आपके मुकद्दर में, आपकी किस्मत में जो लिखा है वही आपको मिलने वाला है, किस्मत से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। जिसका तकदीर के ऊपर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा,
किसी से जलन नहीं करेगा। आज भाई भाई से जलता है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से जलता है। क्यों? क्योंकि तकदीर के ऊपर